जैसे गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स या गोलमाल 3 आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म्स होती है, इन फिल्मों के सेट्स पर क्या माहौल होता है? एंड यू नो व्हेन यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर सीन, सपोज इट्स अ कॉमिक सीन एंड somebody mucks up, somebody gets it wrong, तो दो बार, तीन बार, चार बार करना पड़ता है. How do you all maintain the humor element? Actually, each time कोई अगर फंबल करना शुरू हो जाता है तो वैसे ही सारे लोग ह्यूमर तो चलते रहता है, वो बेचारा उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है. बट आई गेस इनिशियल वो रहता है तीन चार टेक तक, बट आफ्टर दैट एवरीबॉडी स्टार्ट सपोर्टिंग हिम, स्टार्ट यू नो बूस्टिंग हिज कॉन्फिडेंस सो दैट ही गिव्स अ बेटर टेक. एनीवेज ही इज लकी इन दैट डिपार्टमेंट बिकॉज हिज कैरेक्टर सपोज टू फंबल, तो इसके फंबल हो नहीं हो पता नहीं चलते कि वो फंबल करके बोलता है. फिल्म में देख ली. एक बात बताऊंगा, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी हम लोग डबिंग कर रहे हैं, बट देयर इज वन सीक्वेंस वेयर जहां मैं आके कंप्लीटली अटक गया हूं एंड टू सिंक व्हाट आई हैव डन इन द पायलट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मी, यू नो. अच्छा, मतलब इट वाज सो नेचुरल अर्लियर. इट वाज, आई डोंट नो, इट वाज जस्ट एट द स्पर ऑफ द मोमेंट दैट थिंग हैपेंड एंड यू कांट प्लान दीस थिंग्स. या एंड नाउ टू डब दैट एंड टू सिंक दैट इज बिकमिंग एक्सट्रीमली, इट बिकम्स अ लॉट ऑफ ट्रबल स्पेशली कॉमेडी में ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कई चीजें आप करेक्ट सुर में नहीं बोलते लेकिन उस वक्त इम्प्रोवाइज करते हुए आप उसे बोल देते हैं. इट्स वेरी टफ टू रिक्रिएट इट इन डबिंग. और बहुत सारी चीजें कॉमेडी में स्पेशली जो मुझे भी होता है, कई चीजें आप फास्ट बोल देते हैं और जब आप डब कर रहे हैं इट जस्ट बिकम्स अ बैटल टू काइंड ऑफ जस्ट गेट द सिंक राइट. तो ऐसे में, ऐसी कॉमेडी फिल्मों में सिंक साउंड इज नॉट द ऑप्शन. कैन बी, बट यू नो जैसे मैंने आपसे कहा समटाइम्स वी शूटिंग लाइक मोस्टली इन दिस फिल्म बाय द बीच एंड इतना बड़ा सेट है और स्पेशली हमारे देश में इतने लोग हैं कि आसपास से कोई बिल्डिंग कर रहा है, कंट्रोल ऑल ऑफ दैट कि साउंड लॉक करो पूरा, जब साइलेंस हो तभी आपको शॉट लेना पड़ता है एंड देन यू नो बिकॉज ऑफ साउंड, अगर सपोज परफॉर्मेंस अच्छी हो लेकिन साउंड की वजह से एक और टेक करना पड़े तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है यार परफॉर्मेंस अच्छी मिल गई है, लेट्स कीप दैट. पॉजिटिव नोट, डबिंग में जो फायदा होता है कि कभी कभी जो आपने सीन किया है जब आपका फेस नहीं दिख रहा है और साइलेंस है तो यू कैन एडलिप, यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डबिंग, सो दैट बिकम्स ऑब्वियसली देयर आर प्रोस एंड कॉन्स. यहां पर मैं मेरे व्यूअर्स को समझा दूं, दोस्तों सिंक साउंड उसे कहते हैं जहां पर शूटिंग के बाद डबिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर जब शूटिंग हो रही है वही फाइनल साउंड होता है. देयर इज नो नीड टू डब योर डायलॉग्स इन द फ्यूचर जैसा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन एज दे सेड देयर आर प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बोथ द काइंड्स, सिंक साउंड रिकॉर्डिंग एज वेल एज डबिंग, एंड दे हैव गॉन इन फॉर डबिंग. खैर, लेट्स कंटिन्यू. तो यू फील दैट दिस वॉज बेटर, डबिंग द डायलॉग्स वॉज बेटर बिकॉज you could just lose the sense otherwise at moments, you know. Yeah, but otherwise I feel ki sing sound is any time. Yeah, there are certain scenes which you feel, kyunki kai baar kya hota hai wo aap jab dub kare, we are actually acting jab hum dubbing bhi karte hain, jaise aapne, you know, to share with the viewers again, there are so many times jab humko actually act karna padta, especially if there is a scene that is happening while you are running. So you can't imitate that. तो हम लोग literally जब कर रहे होते हैं तो it's really funny. Dubbing studio में exactly हम लोग दो चक्कर लगाते हैं थोड़ा सा. अगर कोई panting, अगर कोई पीछे बैठ के देख रहा हो first time dubbing करते हो तो it's a very entertaining thing for him to watch. जैसे मैं कल गया तो I was watching Tushar dub. मैं यही सोच रहा था यार कोई अगर मेरे को भी देखेगा तो उसको भी हंसी आएगी क्योंकि सब शांत है, everything is silent and you're just going एक dialogue बोलते हुए भाग रहे. अरे क्या हुआ? Oh, हा and you're doing all that. So it's like actually performing that scene again and getting it right there. अकेले को पूरा recreate करना पड़ता है without the support of the other actors. Yeah.